हेलो फ्रेंड्स, यू वाचिंग मीम टीच। माय नेम इज गौरव। एक बार फिर से बात करने वाले हैं एक और टोकन के बारे में जिसका नाम है cyberverse.money। अगर आप चाहें तो इस टोकन की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसके ऊपर 7 घंटे के बाद प्री सेल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस टोकन को परचेज करके होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इस प्री सेल के अंदर आपको अच्छे खासे टोकन मिल रहे हैं और यहाँ पे 4000 BNB का हार्ड कैप सेट कर दिया गया है। प्री सेल के अंदर आपको 12500 टोकन मिलेंगे और यहाँ पे लॉन्चिंग प्राइस जो है वो 1 BNB के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5000 टोकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम कंट्रीब्यूट जो है वो 0.05 BNB का है और यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूट जो है वो 10 BNB का है। अगर आप चाहें तो अपने रिस्क के ऊपर इस टोकन को परचेज करके होल्ड कर सकते हैं क्योंकि हम कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड नहीं करते। अगर आपको टोकन पसंद आए आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेना। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है देन आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके इस टोकन से भी प्रॉफिट बना सकते हैं। मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा इसलिए आप तमाम दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती है। 7 घंटे 29 मिनट के बाद यहां पे भैया इसकी प्रीसेल लाइव हो जाएगी और यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो है एक रोड मैप है और यहां पे किस तरीके से इस टोकन की डेवलपमेंट ने काम किया है वो आप तमाम दोस्तों के सामने अगर आप चाहें इसको चेकआउट कर सकते हैं। BS स्कैन के ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 करोड़ की सप्लाई है और यहां पे आप देख सकते हैं कि 6 एड्रेसेस हैं जिसके अंदर इसकी जो है वो तमाम जो लिक्विडिटीज है वो यहां पे भैया लॉक कर दी गई है। और यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि 2023 तक ये जो लॉकिंग का सिलसिला है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर रिवार्ड्स के भी जो टोकन्स है वो भी यहाँ पे लॉक कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो है वो इस टोकन्स की जो सप्लाई है उसको भी लॉक कर दिया गया है 1 साल के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो है वो एड्रेसेस हैं वो यहाँ पे लॉक कर दिए गए हैं 18 जनवरी 2023 तक। अगर आप चाहें तो भैया इस टोकन को भी परचेज करके होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मुझे ये प्रोजेक्ट काफी हद तक दमदार लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस फ्यूचर और यहाँ पे गेम के तरीके से इस टोकन को डिजाइन किया गया है और आने वाले फ्यूचर के अंदर इनकी खुद की यहाँ पे भैया गेम भी लॉन्च हो गया। अगर बात करें एक्सचेंज लिस्टिंग की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड मैप के अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ के अंदर पैनकेक स्वैप, हॉटबिट और एल बैंक के ऊपर इस टोकन की लिस्टिंग भी हो सकती है और मई मंथ के अंदर बिटहब, गैट.io और MXC के ऊपर भी टोकन आपको लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। जून के अंदर 2 बड़ी एक्सचेंज का नाम शामिल किया गया इसके अंदर क्यूकॉइन और FTX का भी नाम शामिल है। दीगर अपडेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेज 1 के अंदर आपको सोशल नेटवर्क्स टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर इनके जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे रन हो रहे हैं। साइबरवर्स मल्टी फंक्शनल टोकन लॉन्च आइडियो, लॉन्च वेबसाइट साइबरवर्स टोकन आइडियो गेम ट्रेलर। अब यहाँ पे ये जो तमाम चीजें हैं वो फेज 1 के अंदर आ जाती है जो कि ये लॉन्च कर चुके हैं। फेज 2 यहाँ पे इनको अप्रैल से लेके मई मंथ के बीच में खत्म करना होगा जिसके अंदर आइडियो SC फील्ड, गेम डेमो, कॉइन मार्केट कैप लिस्टिंग, कॉइन गीको लिस्टिंग, पैनकेक स्वैप लिस्टिंग, उसके अलावा एक्सटेंड लिस्टिंग की अनाउंसमेंट यहाँ पे भैया लिखी हुई है जो कि आपको देखने को मिल सकती है अप्रैल से लेके मई मंथ के बीच में। देन यहाँ पे फेज 3 के अंदर बताया गया है जो कि जून और जुलाई के बीच में इनको कंप्लीट करना है। साइबरवर्स इन गेम NFT मार्केट प्लेस लॉन्च, NFT लैंड प्रॉपर्टी फर्स्ट बैच ऑफ एश्योरेंस और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर डेवलपर मेड अवतास NFT गिव अवे टू लकी होल्डर्स, फर्स्ट लुक एट साइबरवर्स फैन एंड फना ट्राइब्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया फर्स्ट लुक आपको जो फ्रेन और फना के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा फेज 4 जो कि जुलाई और अगस्त के बीच में आता है जिसके अंदर अल्फा वर्जन रिलीज, PC CVV होल्डर्स एक्सेस ओनली, फर्स्ट सिटी ऑन ग्रांड ओपनिंग, उसके अलावा कस्टम व्हीकल्स NFT गिव अवे फॉर अर्ली होल्डर्स। और यहाँ पे फेज 5 के अंदर आपको सेप्टेम्बर और नवंबर के बीच में कुछ यहाँ पे स्काई ओपनिंग एबिलिटीज टू फ्लाई साइबरवर्स यूजिंग स्टारशिप NFT एडिंग यूनियन टू द गेम, क्लांस, फ्रैक्शंस होल्डर्स और यहाँ पे एलियंस बीटा वर्जन लॉन्च, फ्री पास, PC वर्जन रिलीज। अब यहाँ पे इतना कुछ ये भैया करने वाले हैं तो भी अगर आप चाहें तो इस टोकन के अंदर भी थोड़ी बहुत आप यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको हर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी अपने भी रिसर्च करना चाहिए क्योंकि हमको जो चीज अच्छी लगती है वो आप तमाम दोस्तों के सामने पेश करते हैं। उसी के साथ थोड़ा रिस्क हमें भी होता है, थोड़ा रिस्क आपको भी होता है। तो भैया इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें साइबरवर्स के टोकनॉमिक्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कि फीस के अंदर 3% चला जाता है लिक्विडिटी के लिए, 3% डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई 10 करोड़ की है। प्रीसेल के अंदर 5 करोड़ टोकन ये भैया दे रहे हैं। देन यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए 1 करोड़ टोकन, रिवार्ड्स और गिव अवे के लिए 2 करोड़, उसके अलावा मार्केटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ भैया यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 लाख टोकन। देन यहाँ पे डेवलपर्स के बाद भी बहुत ही कम टोकन बचे हैं और यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर लॉक कर दिए गए कुछ टोकन और यहाँ पे गेम का ट्रेलर भी अवेलेबल। अगर
आप चाहें तो इनका जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है उसको भी भैया ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हर एक क्वेश्चन आप यहाँ पे राइज कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत ही जल्द प्री सेल की अपडेट्स भी आपको देखने को मिलेगी और भी फ्यूचर के अंदर जो भी लिस्टिंग्स होगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके व्हाइट पेपर के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया गया है अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो उसका जो है वो व्हाइट पेपर भी रीड आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हर एक चीज़ जो है वो डिटेल्स के अंदर आपको मुतारिफ कराई गई है। इसका जो रोड मैप है वो यहाँ पे आपके सामने है, उसके अलावा जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आप यहाँ पे जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। आईडियो की डिटेल्स, प्री सेल की डिटेल्स देन यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गेम लॉन्च होगी और यहाँ पे किस तरीके से गिव अवे दिया जाएगा। सो भी अगर आप चाहें तो इस टोकन के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको साइबरवर्स जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे जा सकता है, क्योंकि एक मेटावर्स प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और मेटावर्स का काफ़ी ज़्यादा रुझान भी, और मैं समझता हूँ कि साइबरवर्स भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन के सामने आ सकता है। उम्मीद करता हूँ इस टोकन की वीडियो आपको काफ़ी हद तक पसंद आएगी। अगर इस टोकन के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा।